हाय गाइस, तो आज मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू करूँगा। FZ वर्जन 3 है, BS4, एंड मैंने इसको 10,000 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है। लाइक इसमें आई हैव ड्रिवन इट 10,000 किलोमीटर्स। तो मैं इस बाइक को अब तक जो है लाइक सिटी में यूज़ कर चुका हूँ, हाईवे पे यूज़ कर चुका हूँ, इससे लॉन्ग ट्रिप भी जा चुका हूँ। एंड लाइक जो एक नॉर्मल बाइकर एक्सपेक्ट करता है अपने बाइक से, आई थिंक इस बाइक में वो सब चीज़ है। एक्सपेक्ट कि आप हार्डकोर राइडर हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि तो ये जो बाइक हो लाइक उसका टॉप स्पीड भी बहुत हो, लाइक 150 प्लस, तो देन मैं कहूँगा कि नो, देन दिस बाइक इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि इसका जो टॉप स्पीड है दैट इज़ 117, मैंने भी जो पर्सनली अचीव किया है वो 117-120 तक किया है, उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया। लाइक बहुत कुछ ट्राई कर लिया, लाइक अगर आप लीन करते हो तो 121 तक ले गया हूँ मैं, बट ऐसे ही 117 तक जाता है। इस बाइक का जो सबसे अच्छा चीज़ है कि इसकी हैंडलिंग इज़ लाइक ऑसम। इसका जो हैंडलिंग है बहुत ही प्यारा है। एंड इफ़ यू सी, अभी मैं बेंगलोर सिटी में ड्राइव कर रहा हूँ एंड अभी आप देखो लाइक जो द वे, मतलब ये जो हैंडलिंग है ना इसकी बहुत कमाल की है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो या फिर आपको जो इसका ग्रिप फील होता है रोड पे वो हो, एंड जो ये कॉर्नर करता है, ये जो कट्स करता है ना, लाइक दैट इज़ ऑसम, बहुत ही प्यारा है। एंड जो इसकी पिकअप है वो भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है बट बुरी भी नहीं है, क्योंकि ये इसका जो इंजन है वो डिज़ाइंड ही इस तरह से है कि ये परफेक्ट ब्लेंड हो सके पावर का, एफिशिएंसी का, और आपका जो टॉर्क है सब कुछ का, मतलब एक बैलेंस्ड आउटपुट देता है ये हो। तो इसीलिए इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा टॉर्क आउटपुट कर रहे हो, पावर आउटपुट कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाइक बेसिकली आपको सिटी के लिए बहुत सही है। आप मीडियो का ट्रिप्स करते हो, सपोज़ आप 200-400 किलोमीटर तक भी जाना चाहते हो तो आप आराम से जा सकते हो। एक ही चीज़ है, टॉप स्पीड में आप स्ट्रगल करोगे ले जाने में। इस बाइक को अगर आप लेने का सोच रहे हो तो लाइक मैं दो चीज़ कहूँगा। पहली चीज़ कि आप अपना यूटिलिटी देखो, बजट देखो, एंड यूटिलिटी मतलब कि अगर आपको मोस्टली ऑफिस के लिए लेना है तो परफेक्ट है, और अगर आप कभी कभी ट्रिप भी करना चाहते हो तब भी मैं कहूँगा परफेक्ट है, अगर आपका बजट 1.5 लाख से कम है। एंड अगर आपको लाइक मोस्टली ट्रिप के लिए लेना है एंड आपका बजट कम है, तो अगर आप टॉप स्पीड सेक्रीफाइस कर सकते हो तो देन गो फॉर इट। और अगर आपको टॉप स्पीड चाहिए तो मैं कहूँगा 20-30 हज़ार और लगाकर 200 NSE ले लो, तो दैट विल बी अ गुड चॉइस। बट 1,20,000 1,23,000 तक में जो इसका बजट है उसके हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है। माइलेज भी इसका बढ़िया है, लाइक मुझे 40 प्लस मिल जाता है सिटी में, और मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ड्राइव नहीं करता हूँ। हाँ कभी कभी करता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो मेरी राइडिंग होती है वो वही 70-80 होती है। जैसे अभी देखो आप, ये थोड़ी ट्रैफिक है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अराउंड 60-70 करता हूँ। लाइक डिपेंड्स कि अगर मेरे को क्रूज़ करने की स्पीड मिल रही है तो मैं यहाँ पे 60 पे क्रूज़ करूँगा या 70 पे क्रूज़ करूँगा, या मेरे को अगर थोड़ा ओवरटेकिंग करना है तो भी मैं यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। थोड़ा इसमें आपको हायर एक्सेलरेशन यूज़ करना पड़ेगा। एंड देखो अगर तो लाइक बेंगलोर में आप 70-80 तक एक्सपेक्ट करो, लाइक आप उससे ज़्यादा तो जाओगे नहीं, क्योंकि रोड्स इतनी फ्री मिलती नहीं है हमेशा आपको कि आप एनी टाइम इतना कर पाओ। तो ट्रैफिक के हिसाब से मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रैफिक में भी इसको अप टू 70 ड्राइव करते हो एंड बहुत ज़्यादा एक्सलरेट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइड नहीं करते हो, तो आप 40-42-43 आराम से निकाल सकते हो। या अगर आप इसको 60-65 तक लिमिटेड करके चलाते हो और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट नहीं करते हो, तो मैंने इससे 51 तक भी गेन किया, अचीव किया है, और वो मैंने बेंगलोर में ही अचीव किया है। लाइक 10 लीटर के पेट्रोल में मैं लगभग 510-515 किलोमीटर कर गया था। तो इन दैट केस मैं बता रहा हूँ कि उस केस में भी बहुत बढ़िया इसका माइलेज फिगर्स है, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद दिस। लेकिन क्या है कि सिटी में कभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसमें आप अगर माइलेज एक्सपेक्ट कर भी रहे हो तो दैट इज़ मतलब आप
फुली इतना कर भी नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ट्रैफिक में राइड कर रहे होते हो तो कंटिन्यूसली क्लच ब्रेक होता है, तो इंजन अपना एक मोमेंटम गेन ही नहीं कर पाता है, एंड प्लस जो इंजन है वो एक्सेसिव लोडेड रहता है, तो इन दैट केस आपको माइलेज ढंग की नहीं आती है। बट अगर आप जैसे अभी आप देख रहे हो कि रोड पे खासा भीड़ नहीं है, और अगर आप 70-75 तक भी क्रूज़ करते हो तो रीज़नेबल माइलेज आपको ये गाड़ी देगी। और रही बात हाईवे की, तो हाईवे पे अभी देखो मैं थोड़ा सा इसको खींच रहा हूँ, अभी थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके चला रहा हूँ, एंड तब भी लाइक इसका जो हैंडलिंग है बड़ा कमाल है, तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा इसको चलाने में। बट एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो है लाइक आपको सडनली टॉप स्पीड अचीव नहीं करता है, लाइक 80 के बाद थोड़ा सा ब्रेक सा ले लेता है, कहता है यार थोड़ा मुझे टाइम दो, मुझे 80 से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, तो लाइक उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं है ये भाई। हाँ, लेकिन एक बार इसका बॉइलिंग हो जाए प्रॉपरली, एक बार ये इंजन गर्म हो जाए प्रॉपरली 5-10 किलोमीटर चलने के बाद, अगर आप प्रॉपरली चलाते हो नॉर्मली, तो फिर ये पिकअप भी बहुत प्यार से पकड़ता है। एंड थोड़ा सा हाँ, मुझे अगर आपने पुराना जेनरेशन का पल्सर चलाया हुआ है तो आपको थोड़ा सा टॉर्क में महसूस होगा कि टॉर्क और हो सकता था, बट वही मैं बोल रहा हूँ लाइक आजकल एमिशन रेगुलेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, लाइक BS6 आ गया एंड ऑल, तो बहुत सारा चीज़ जो है थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है एमिशन्स को कम करने के लिए। एंड चूँकि आपका बजट बाइक है तो इसमें आप हर चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि 150cc का है ये, एंड R15 का जो 150cc है वो आपको 19 हॉर्स पावर निकाल देता है, तो लाइक और ये 13 हॉर्स पावर निकाल देता है, तो 6 हॉर्स पावर का डिफरेंस है, और ये आप समझ सकते हो कि परफॉर्मेंस बाइक और आपका जो एक कहते हो ना अफोर्डेबल बाइक, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा। बट हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के बाइकर नहीं हो तो गो फॉर इट, बाइक सही है, मज़ा आएगा आपको ट्रैफिक में, तो भाई इस बाइक पे एकदम मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। लाइक दैट वाज इट गाइस, लाइक